इन्हों के जेडे नाम है ना वड्डे वड्डे लीडर जो हारे है ना ये हुण कोई सुन के राजी नहीं है। इन्हों का बुरा हशर ही तां होया भी ये कदी भी अपनियां गलतियां तो सबक नहीं सीखते सुधार नहीं करते। पहला उन्होंने दादे फिर उन्होंने पियो फिर पोतरे दोतरे वो जेड़ा वड्डे वड्डे घरानों की राजनीति आना लोग नकार चुके हैं। वो हाई प्रोफाइल वी आई पी कल्चर वाली राजनीति पंजाब के लोगों ने नकारता है। हुण लोग जवाबदेही वाली राजनीति लभदे आ ते दूसरा लोग कहिंदे आ भी तेरी कारगुजारी की आ तेरी जिम्मेवारी की आ तू कीता की आ समाज लई और लोग अपना नुमाइंदा भी अपने वर्गा ही देखदे आ। परिवारवाद की राजनीति वड्डे घरानियां की राजनीति जात पात धर्म के नाते डेरियां के नाते समाज नूं वंडण की राजनीति ये सारी जिहड़ी गंदी राजनीति सी इहनूं पंजाब दे लोकां ने नकारता है और इहदे धोण वाले टाइम च मुल्क च भी मैसेज जाना है ये इत्थे रुकण वाली गल नहीं। सानू मैनूं लग दिक्कत नहीं आउणी उहनां जिहड़ा बंदा जिस प्रोफेशन च अगर वह कम करके उहनूं पता है भी प्रॉब्लम की है तां सोल्यूशन की है। ये नहीं है भी फलाने लीडर का मुंडा इस करके मंत्री नवे बंदे नूं चांस मिले आया और उहदे च कंपीटीशन की भावना ज़्यादा होंदी आ उन्हां च वो जिन पीढ़ी दर पीढ़ी वाले जिहड़े राजे महाराजे सी ना उन्हां नूं पता ही यार इस तरह सिक्योरिटी लैके घूमना वो सत्ता नूं सिर्फ हटाउंदे सी लोगों के प्रति उन्होंने मन च ना तो कोई डर सी ना फिक्र सी ना चिंता सी। ओजला साहब जो एम पी ने अमृतसर दे लिख के कहते हैं ट्वीट भी उन्होंने किया कि इन्ने बंदे खजल खुआर रेसवादियाँ खजल खुआर हुई बसा क्यों लिया की लड़ पैगी सरकारी संपत्ति की दुरउपयोग कर रहे हैं। 75 साल हो गए तुम पंजाब नूं खजल खराब करता पंजाब का सारा नौजवान भज गया पंजाब की किसानी मर गई पंजाब का व्यापारी मर गया उदों तुहानूं खजल खराबी नहीं दिखी हुण तुहानूं लगन लग गया भी हजे 4 दिन पहला रिजल्ट आया मुख्यमंत्री साहब ने ऑफिस भी नहीं ज्वाइन किया। सो यह मैनू लगता बेसलैस गल्लां है फ्रस्ट्रेशन है उन्हां दी। पाल खैर की जवाब दोगे जो उन्होंने गल कही है मैं उही सवाल उत्थे घूम फिर के आ जांदा विरोधियों का भी क्यों इन्ना पैसा खर्च क्यों 2 करोड़ रुपये तो ज़्यादा पैसा खर्च। खैरा साहब तो जो एल ओ पी बने ही उदों लखा लखा रुपए दे और रेनोवेशन से कम करवाते रहे अपन कोठियाँ सरकारी चलो ये वैसे रेलेवेंट नहीं गा गल भी खैरा साहब न जी एनर्जी है ना वो अपनी कांग्रेस चलानी चाहिए आ भी कांग्रेस उन्होंने कोई पोस्ट मिल रही है कि नहीं मिलनी कांग्रेस रिवाइव करनी है कि नहीं करनी। जेड़ा ये वारियां बनिया सी ना तू नहीं तो मैं जिथे जिथे इन्हों वारियां तो लोग त्राही त्राही कर रहे उत्थे आम आदमी पार्टी की डिमांड बढ़ रही है इस करके आम आदमी पार्टी को हरेक सूबे चो लोग आप अप्रोच कर रहे तुम आने वाले टाइम देखोगे हरियाणा हो चाहे हिमाचल हो आम आदमी पार्टी का विस्तार हो। पंजाब न्यूज़ से तुहाडा सब का स्वागत है। आम आदमी पार्टी 92 सीटों नाल जित जाती है उस तो बाद लगातार ही अलग अलग सियासी पार्टियां मंथन करने ते लगियां हुई ने चूक कित्थे हो गई है हारे क्यों ने ते दूसरे पासे रोड शो भी हुंदा अमृतसर दे विच धन्नवाद एक रैली की जाती है जिस विच बसा भी जाती है उसनों लैके भी लगातार सोशल मीडिया उत्ते लिखा जाता है कि बसा ले जाने की लोड़ सी जबकि यह चीज़ घट खर्चे भी हो सकती सी। दूजे पासे भगवंत मान ने सहुं चुकनी है मुख्यमंत्री वजों तो चर्चा करेंगे आपां मालविंदर सिंह कंग दे नाल स्पोक्सपर्सन ने आम आदमी पार्टी नूं लैके कई सवालों के जवाब हुण भी सोशल मीडिया उत्ते बने हुए ने भी लैने चाहिए ने पर सब तो अहम मुद्दा यह हुंदा कि आने वाले समय के आम आदमी पार्टी करेगी की बुद्धिजीवी भी कह लग पे टाइम देना चाहिए नवा तजर्बा है नवे लोग आए हैं कि जाके अगे करे पंजाब वास्ते की अगे जाके करे जो वादे किए गए हैं कि वह पूरे होंगे स्पोक्सपर्सन है मालविंदर कंग चर्चा करेंगे। कंग साहब बहुत स्वागत है पंजाब न्यूज़ से। थैंक यू जी थैंक यू ताडे सारे श्रोतियां नूं सत श्री अकाल। पहला मेरा सवाल यही है कि अलग अलग पार्टियां मंथन करन ते लग गईयां ने कांग्रेस पार्टी की गल कर लिए श्रोमणी अकाली दल की अज कोर कमेटी की मीटिंग भी हैगी सी मंथन वाकई सही कर रहे हैं कि रिजाइन देना बनता है इन्हों का क्योंकि आम आदमी पार्टी कह रही है अलग अलग तरीकों के नाल भी नहीं हो तो रिजाइन करो नवियां आन दो नवियां तजर्बा हो तुम्हारे वाले भी कह लग पे ने। देखो ये तो उन्होंने पार्टियां तो उन्होंने फैसले लेने हैं लेकिन नवियां नहीं आन देंगे तो उन्होंने जेडे की कहते होंगे नवे अपने आप उन्होंने को ले लेंगे जगह गल भी इन्हों के जेडे नाम है ना वड्डे वड्डे लीडर जेडे हारे है ना ये हुण कोई सुन के राजी नहीं है। हुण वेखो कल कांग्रेस ने वर्किंग कमेटी की नैशनल लैवल से सारा दिन उन्होंने मत्था मारिया अखीर च ब्रीफ करता भी असी सोनिया गांधी जी की अगवाई अगे भी कांग्रेस मजबूत होगी और उन्होंने भरोसा
तो अकाली दल का भी सुभाविक यही जवाब है जिहड़ा मैनू लगता है भी अज नहीं आया तो कल आजूगा, कल नहीं तो परसों आजूगा। अल्टीमेटली इन्हों का बुरा हशर ही तो होया भी ये कभी भी अपनियां गलतियां तो सबक नहीं सीखते, सुधार नहीं करते। बाकी उन्हां दी अपनियां पार्टियां जो मर्जी करन, साडा उहदे नाल कोई लेना देना नहीं। हुण गल करिए, हुण प्रैस कॉन्फ्रेंस भी होई, जिक्र चलिया उत्थे चीमा साहब भी कह रहे सन कि बदलाव तो हैगा, ठीक है। अलग अलग तरीके की होर भी स्टेटमेंट आ रही है कि वाकई रोस सी तां MLA जित गए ने, कि बदलाव सी तां जित गए ने, जां दोनों पार्टियां सी वो ऑप्शन तुहाडे कोल सी तीजी पार्टी। एक गल समझ लो विजय जी, ये भी समझ लैन भी हुण राजनीति बदल गई है। सोशल मीडिया के युग च हरेक नौजवान, हरेक जिहड़ा भी बछिंदा है इस मुल्क का, एक सूबे का, वो इन्ना अवेयर ते जागरूक ते इनफॉर्मेटिव हो गया है भी उन्हूं चंगे माड़े ते रिएक्शन करना ते फैसला लेना आ गया है। वो जिहड़ा एक चलदा सी ना भी वड्डियां वड्डियां वड्डे वड्डे जिहड़े घराने जिहड़े पीढ़ी दर पीढ़ी, पहला उन्होंने दादे, फिर उन्होंने पियो, फिर पोतरे दोतरे, वो जिहड़ा वड्डे वड्डे घराने की राजनीति आ, उन्हां नूं लोक नकार चुके आ। वह हाई प्रोफाइल VIP कल्चर वाली राजनीति नूं पंजाब दे लोकां ने नकारता आ। हुण लोक जवाबदेही वाली राजनीति लभदे आ, ते दूसरा लोक कहिंदे आ भी तेरी कारगुजारी की आ, तेरी जिम्मेवारी की आ, तू कीता की आ समाज लई, और लोग अपना नुमाइंदा भी अपने वर्गा ही देखते हैं। इस करके परिवारवाद की राजनीति, वड्डे घरानियां की राजनीति, जात पात धर्म के नाते, डेरिया के नाते समाज नूं वंडण की राजनीति, ये सारी जिहड़ी गंदी राजनीति सी इहनूं पंजाब दे लोकां ने नकारता है। और इहदे धोण वाले टाइम च मुल्क च भी मैसेज जाना है, ये इत्थे रुकण वाली गल नहीं। पंजाबी हमेशा ही किसी भी चंगी चीज़ की अगवाई करते रहे आ, पंजाबी जाने इस करके जाते रेवोल्यूशन लई। यह रेवोल्यूशन जिहड़ा आया ये हुण दूर तक जाऊगा, ये अज भी सबक नहीं लेंदे, तो मैनू लगता है भी आने वाले टाइम च फिर मैनू लगता है भी ये अपनी जिहड़ी इन्हां दी बदखोई हो रही है उहदे लई आप जिम्मेवार है। लेकिन इहो जी राजनीति हुण इस मुल्क च जां इस सूबे चलनी नहीं। किवें काम करोगे, क्योंकि चर्चा भी बनी हुई सी लगभग 85-86 जो MLA नवे ने, कई पुराने जितते ने, किवें काम होगा अगे जाके, क्योंकि 5 साल का हम टर्नओवर टाइम तुहाडे कोल हैगा, 5 साल किवें काम होणगे, कि नवियां नूं टाइम लगेगा हले इह जाणन वास्ते भी की करना किदां करना, 6 साल एवें लंघणगे। देखो जिहड़े साडे MLA चुण के आए ना, अपनी अपनी फील्ड दे महारथी आ, कोई एडवोकेट है, कोई डॉक्टर है, कोई लैक्चरार है, कोई प्रोफेसर है, कोई स्पोर्ट्स परसन है, मतलब कोई कल्चर फील्ड नाल जुड़िया होया। सानू मैनू लग दिक्कत नहीं आनी उन्हां, जिहड़ा बंदा जिस प्रोफेशन च अगर वो काम करके उन्हूं पता है भी प्रॉब्लम की है तो सोल्यूशन की है। ये नहीं है भी फलाने लीडर का मुंडा इस करके मंत्री, पहला की हुंदा सी भी कैबिनेट च रिजर्व होंदियां ही पोजिशन, पता सी भी फलाने के मुंडे ने बनना, तो फलाने के साले ने बनना, तो फलाने के जीजे ने बनना, तो फलाने के घरवाली ने बनना। हुण ये हुण काबलीयत दे आधार ते है। दूसरी गल सब तो इंपोर्टेंट, साडे जिहड़े नौजवान जित के आए आ, जिहड़े MLA जित के आए आ, उन्हां च इस गल दा हमेशा अंबीशन रहनी आ कि असी प्रूव करना अपने आप नूं, और जदों प्रूव करन दी इच्छा शक्ति होवे ना, तो उह हमेशा बेहतर जिहड़े उहदे रिजल्ट मिलदे आ। जदों भी नवें बंदे नूं चांस मिलिया आ और उहदे च कंपीटीशन दी भावना ज़्यादा हुंदी आ, उन्हां च उह जिन्ना पीढ़ी दर पीढ़ी वाले जिहड़े राजे महाराजे सी ना, उहनां नूं पता ही यार इस तरह सिक्योरिटी लैके घूमना, उह सत्ता नूं सिर्फ हटाउंदे सी। लोगों के प्रति उन्होंने मन च ना तो कोई दर सी, ना फिक्र सी, ना चिंता सी। इस करके मैनू लगता है भी ये साढ़े नवे जिहड़े MLA जित के आए आ, उन्होंने अपने आप नूं प्रूव करने लिए पंजाब च बेहतर काम करना है। कंपीटीशन इस चीज़ का नहीं लग्या होया कि किसनूं कि वजीरी मिलनी है, किसनूं कि वजीरी मिलनी है। देखो इच्छा तो बहुत सारे की होंगी है, लेकिन मुख्यमंत्री साहब का प्रोरोगेटिव है, उन्होंने किनू अपनी कैबिनेट लैना है। लेकिन एक गल जरूर पक्की आ, चंगे लोग, चंगे किरदार वाले लोगों के प्रति जवाबदेह लोग कैबिनेट चोणगे, और वो परफॉर्म करके भी विखाउणगे, और समय समय से अभी तुहाडे वर्गे मीडिया वाले साथियों को दसते भी रहांगे। हुण सब तो अहम सवाल है कि बसों नूं लैके जो अमृतसर बसा गई ने, उस पर खर्च किए गए पैसे, सवारियां जिहड़ियां ने खज्जल खुआर होईयां, बसा क्यों लैके गए सरकारी, कि उसका किराया दिता आम आदमी पार्टी ने? गल ये ना, मतलब बाल दी खाल देण वाली गल है, हजे मतलब मुख्यमंत्री साहब ने सहु चुकनी आ, सरकार हजे
ऑफिशियली जिहड़ा हैगा उहदा प्रोसीजर पूरा होना आ, अंडर प्रोसैस है। अजे मतलब इनकम्बेंट मुख्यमंत्री हैं, अज वो लोग सभा इस्तीफा दे के आए आ, हुण 16 तरीक नूं उन्होंने ओथ लैनी, उस तो बाद कैबिनेट बननी है, विधानसभा स्पीकर साहब एक प्रक्रिया च है, पहला ही सानू थोड़ा समय दो तुसी ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਵੈਸੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਗੂਲਾਂ ਕੱਢਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਹੀ ਲਿਆ, ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਇਹ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਵਾਲ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਦਿਓ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ MP ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ, ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਟਵੀਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਏ, ਸਵਾਦੀਆਂ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਈਆਂ, ਬੱਸਾਂ ਕਿਉਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਯਾਰ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨੌਜਵਾਨ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮਰ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਹਜੇ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਫਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੇਸਲੈਸ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਚੰਗਾ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜਾ ਦਲ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਹਨੀਮੂਨ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਅਜੇ, ਉਹ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਦਿਓ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਡਲ ਆਫ ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਵਾਂ। ਅੱਛਾ, ਖਟਖੜ ਕਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 2 ਕਰੋੜ ਕੁਛ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਆਊਗਾ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੁਣ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੋਂ 50 ਲੱਖ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੰਡਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਈਵੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਹਿਲਾਂ MLA ਨੇ ਵੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣੀ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ, ਨਹੀਂ MLA ਅਲੱਗ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੀਰੋ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੁਰਾਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਆਪਣੇ ਹੀਰੋ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਏ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾ ਆ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਥੇ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹੋਊਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੋਂ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਥੋਟ ਤੋਂ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੋਚ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੀ ਆ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੋਗੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ, ਕਿਉਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ? ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਜਦੋਂ LOP ਬਣੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਉਹ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਵੈਸੇ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ। ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, 2-4 ਮਹੀਨੇ ਜਿੰਦਾ ਤੱਕ, ਔਰ ਈਵਨ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵਿਦਿਨ ਮੰਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪੈਕਟ ਦੇਖੂਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, LOP ਜੇ ਬੰਦ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ? ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣ ਜੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜਾ ਧਿਰਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੈਲਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਇੰਨੇ ਕੀਤੇ ਆ ਵੀ ਇਹ LOP ਜਿਹੜੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਰਹਿਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰ 'ਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਦਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜੋ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? 2 ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋ ਨੇ ਉਸ ਵੱਲ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤੀਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ? 2-3 ਗੱਲਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੀ, ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ, VIP ਕਲਚਰ ਦੀ, ਔਰ ਕਰਪਟ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ,
अरविंद केजरीवाल जी नूं जिहड़ा दिल्ली च मौका मिलिया आ, दिल्ली दे लोकां ने लगातार तीसरी बार उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, उन्हां ते लोकां च एक आस किरण बजी है, नॉट ओनली पंजाब इह देश च इंपैक्ट जा रहा। तीसरी गल, आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा सी जिहड़ा, जिहड़े हुण मुख्यमंत्री बन गए, इकलौता पॉलिटिशियन है पंजाब का जिहदा राजनीति चोण तो बाद इनकम घटी आ, वधी नहीं आ, एक एग्जाम्पल है। और जिहड़ा एक ऐसा इंसान है जिन्हें अपना एक बहुत वधिया कैरियर छड के लोक सभा चुनी और लोक सभा च हमेशा बेबाकी नाल पंजाब दीआं गल्लां कीतीआं। तीसरा, आम आदमी पार्टी ने जिहड़ा 2017 च कुछ कमियां सी, कुछ गलतियां सी, और तो सबक भी लिया है और लोगों का विश्वास जितने असी कामयाब होए हैं। ये सारिया गलों मिल के मैं लगता है भी पंजाब के लोगों ने एक अच्छा फैसला लिया है, हुण जिम्मेवारी साड़ी है। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल है कि आने वाले समय के क्योंकि जिवें तुसीं जिक्र कर रहे सी कि नवें ने ठीक है 4-5 महीने मौका मिलना चाहिए, उस तो बाद जाके कोई किने सवाल करना वो व्यक्ति कर सकता, जे वादे उत्ते खरा ना उतर पाए फिर किवें, क्योंकि ये हुण काफ़ी वादे किए हुए ने सत्ता के आने लिए, अलग अलग पार्टियां ने मैनीफेस्टो भी लैके आ, वादे भी किए ने, जे वादे ना पूरे कर पाए। देखो, पंजाब के लोगों ने सानूं एक मौका दिता है, सानू उस जिम्मेवारी का एहसास है, असी बड़ी संजीदगी ना, बड़ी गंभीरता ना, बड़े चिंतन ना, बड़ी फिक्र ना इस तरह सैलीब्रेशन इहदा एक पार्ट है, और बहुत ज़्यादा असी कोई इहदी कोई खुशी नहीं मना रहे, ठीक है एक परंपरा बनी है, लेकिन ये बहुत वड्डियां उम्मीदां साढ़े तो पंजाब के लोगों ने रखी हैं। और मैं तुहानू इन्ना इंश्योर करदा जिहड़ी साडी लीडरशिप है इस टाइम, और जिस तरीके दे साडी सरकार फैसले लऊगी, पहली गल तो जी नौबत आनी नहीं, हमेशा साड़ी पूरी लीडरशिप के दिमाग च एक गल है भी एक मौका मिलया, और ये मौका पंजाब के लोगों ने दिल खोल के दिता है, असी भी पूरी वाह नाल पूरी तनदेही नाल अपनी जिम्मेवारी निभावांगे कि आने वाले टाइम च पंजाब के मौजूदा आर्थिक ढांचे नूं ठीक करिए, सब तो जरूरी पंजाब का ब्रेन ड्रेन रोकीए, पंजाब की जिहड़ी माली हालत है, पंजाब दे जिहड़े हर कोई रहना ही नहीं चाहुंदा उन्हूं कित तरह रोकिया जाए, ये सारिया चीज़ों लैके पंजाब दा एग्रीकल्चर सिस्टम कित तरह सुधारिया जाए पंजाब सरकार करूगी और रिजल्ट दूगी। मैनू नहीं लगता कोई नौबत आऊगी भी साढ़े ते किसे कोई सवाल उठाओ। अच्छा, एक आखिरी कमेंट करना, पहला भी चर्चा होंदी आई है अलग अलग, शायद तुसीं भी कितें ना कितें ये चर्चा करते रहे हो भी दिल्ली तो जिहड़ी सरकारां चलदियां ने, चाहे कांग्रेस है चाहे श्रोमणी अकाली दल है, कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली वाले चलाउणगे कि पंजाब वाले चलाउणगे, क्योंकि तुसीं खुद डिबेट च जाके मुद्दे चकदे भी आए हो। देखो, आम आदमी पार्टी का जिहड़ा इस टाइम आधार है वह नैशनल लैवल से ईवन कांग्रेस तो बेहतर हो गया, गोवा च भी साडियां सीटां आईयां, यूपी साडा वोट बैंक वधिया, उत्तराखंड च वधिया, बेसिकली जिहड़ी राजनीति अरविंद केजरीवाल जी की आ, मॉडल ऑफ गवर्नेंस कह लो, लोगों की प्रति जवाबदेही वाली राजनीति, आम लोगों की राजनीति, आम घर के लोग पॉलिटिक्स लीडर बने आ, उन्हों लोग एक्सैप्ट कर रहे हैं। और नैशनल पार्टी का जे कोई भी नैशनल पार्टी हो एक जिन्हों कह लो भी सीनियर नैशनल लीडरशिप भी होंगी है, पंजाब के मुख्यमंत्री ने ही पंजाब के फैसले लेने, पंजाब पहला भी पंजाब की लीडरशिप ही फैसले लेंदी सी, लेकिन उन्होंने तालमेल करके वो कोई दिक्कत नहीं है जी नैशनल पार्टी है। दूसरी गल, अज जिथे भी कांग्रेस या दो पार्टियां लड़ रही हैं, चाहे वह कांग्रेस भाजपा है या कांग्रेस अकाली दल है या रीजनल पार्टियां, जेड़ा ये वारियां बनिया सी ना तू नहीं तो मैं, जिथे जिथे इन दियां वारियां ते लोग त्राही त्राही कर रहे उत्थे आम आदमी पार्टी की डिमांड वध रही है, इस करके आम आदमी पार्टी नूं हरेक सूबे चो लोग आप अप्रोच कर रहे, तुसीं आने वाले टाइम देखोगे हरियाणा होवे चाहे हिमाचल होवे आम आदमी पार्टी का विस्तार हो। ठीक, सारी गल बस सुनिए, साढ़े नाल मौजूद सन मालविंदर सिंह कंग, चर्चा करदे वांगे कि क्योंकि बसों भी लैके काफ़ी सोशल मीडिया उत्ते घूम रहा है कि वो इकट्ठ करने की लड़ क्यों सी, क्यों सवारियां खज्जल खुआर हुई, दूसरे पासे 2 करोड़ की गल आ, उस उपर भी गल सुनी है कि कुछ समा मिलना चाहिए, उस बाद जाके हर एक गल का जवाब देंगे, ना दी नाले भी एक मुद्दा बनता जा रहा है कि पंजाब नूं की दिल्ली वाले चलाउणगे कि पंजाब वाले नूं चलाउणगे, वह भी सुने तो देखांगे आम आदमी पार्टी की वाकई 4-5 महीने उन्होंने लग जाते हैं तो उस बाद जाके वो पूरी पकड़ अपना लेगी या बना लेगी कि किस तरीके पंजाब नूं चलाना, यह समा दसूगा।